डॉक्टर साहब डेंगू का मौसम बहुत चल रहा है, पहला डेंगू की गलबात करिए, लक्षण की ने? दूसरा सिर दर्द बहुत होंदा, शरीर दे विच दर्दां होंदियां, ठंड लगती है, कंबनी छिंडदी आ जी। ते जिहड़े सब तो जिहड़ी खतरनाक गल ए आ, इहदे विच जिहड़ा आ प्लेटलेट सेल जिहड़े हैगे आ उह खून दे विच घट जांदे आ। बुखार है इह जिहड़ा एडीज एजिप्टाई नां दा मच्छर है उहदे नाल हुंदा। मैं वार वार ये जड़ी गल है अपने स्रोतियां नूं मैं समझाउंदा बई असी समय सिर जदों भी बुखार चढ़दा ते एक WHO दियां गाइडलाइनस हैगियां बई जे एक पिंड दे विच एक बंदा डेंगू पॉजिटिव हुंदा ते उस पिंड दे विच जेकर किसी नूं भी बुखार चढ़दा तां उस नूं आपां ये सोच लैणा भी इह डेंगू ही है। दुनिया भर में वसदे तमाम पंजाबियों का मैं तुहाडा दोस्त गोविंद जी सिंह एक बार फिर तो करदा हाँ स्वागत। अक्सर असी मनोरंजन वाली वीडियोज़ लैके आते रहते हैं, कई विलॉग्स लैके आने रहने हैं, तो कई बार असी वख-वख पक्ष के मसलों उत्ते विचार चर्चा भी करते रहने, पर तुहाडी सेहत का भी सानू ख्याल रहिंदा है। तो अज एक बार फिर तो असी सेहत बारे गलबात करांगे। मेरे इस पास बैठे डॉक्टर हरजिंदर सिंह ओबराए, पहला उन्होंने स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब तुहाडा बहुत बहुत स्वागत। सारे ही श्रोतियां सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। डॉक्टर हरजिंदर सिंह ओबराए मेरे सज्जे पासे बैठे ने, तो उन्होंने गल्लां बातां करांगे विशेष तौर के उत्ते, क्योंकि सियाल जिहड़ा 2023 दा साल चल रहा है, तो सर्दी का मौसम जिहड़ा शुरू होने वाला है, तो सर्दी के मौसम की शुरुआत तो पहला बहुत सारिया सेहत संबंधी औकड़ा मुश्किलों का कई बार सानू तो सामना करना पैंता है। खास तौर पर डेंगू हर साल जिहड़ा जिन्हों आप कह दें सैल कट्टण के जिहड़े मसले ने वो वध जांदे ने, चिंता भी वध जांदी है इन्हां दिनां दे विच। सो इस तमाम मसले के उत्ते डेंगू दे बचाव बारे, इहदे लक्षणां बारे, किहड़ियां दवाइयां जिहड़ियां ने वो अगाऊं जां उस दौरान जदों डेंगू हो जांदा वो दवाइयां लैके किवें इस तों बचिया जा सकदा है? डॉक्टर साहब डेंगू का मौसम बहुत चल रहा है, पहला डेंगू की गलबात करिए, लक्षण की ने? लक्षण यह है भी ये बुखार चढ़ता सब तो पहली गल तो यह जी, तो दूसरा सिर दर्द बहुत होंदा, शरीर के दर्दा होंदिया, ठंड लगती है, कंबनी छिंडदी आ जी। तो जेड़े सब तो जी खतरनाक गल ये जेड़ा प्लेटलेट सैल जे है वो खून के घट जाते जी, और कई बार वो ज़्यादा घटन के नाल फिर ब्लीडिंग होने लग जाती है जी। उस ब्लीडिंग जी जे इंटरनल हो जाती कि रुकती नहीं है तो वो आदमी की जान भी जा सकती, इस करके जो डेंगू है इनू सीरीयस होकर लैण की लोड़ पैंदी है जी। ये तो हो गए लक्षणों की गल। डॉक्टर साहब हाँ जी, हाँ जी। कई बार देखने दे विच आउंदा है कि लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं, बुखार भी हैगा है, जिहड़े तुसीं सिम्पटम दसे वह भी मरीज़ नूं आ रहे हैं, पर लोग इहनूं हल्के च लै लैंदे ने, तो लोकल या फार्मासिस्ट कोलों मैडिसिन लैण लग जाते हैं, जां आप खुद आप मुहारे पैरासीटामोल खा ली, घर च कोई दर्दां दी गोली पई वो खा ली, उहदे बारे की दर्शकां नूं कहना चाहूंगा? मैं वार वार ये जिहड़ी गल है अपने स्रोतियां नूं मैं समझाउंदा बई असी समय सिर जदों भी बुखार चढ़दा है तो एक WHO दियां गाइडलाइनस हैगियां बई जे एक पिंड दे विच एक बंदा डेंगू पॉजिटिव हुंदा तो उस पिंड दे विच जेकर किसी नूं भी बुखार चढ़दा तो उस नूं आपां ये सोच लैणा भी ये डेंगू ही है जी। तो इस करके उसनूं सीरीयस हो के लैण दी लोड़ पैंदी आ, और जल्दी तो पहलां असी जिहड़ा उहदा इलाज करना चाहीदा, ना कि इधर उधर भटकना चाहीदा। होम्योपैथी दवाइयां दे विच इसदा बहुत वधिया इलाज आ, वायरस दा इलाज जिहड़ा होम्योपैथी च है। वैसे भी डेंगू जिहड़ा एक वायरस तो होने वाला रोग है, हटना अपने आप ही हुंदा। होम्योपैथी जिहड़ी हैगी आ, असी जेकर किसी नूं फ्लू हुंदा जां कोई भी वायरल डिजीज़ हुंदी आ, असी वो एक दो दिन च भी काबू पा लईदा, कई बार पहले दिन च भी असी इहनूं काबू कर लईदा, क्योंकि होम्योपैथी च जिहड़ा वायरस दा भी ट्रीटमेंट हो जांदा जी। यानी होम्योपैथी का जरा सहारा लैके, होम्योपैथी की दवाई समय सिर लैके जरा बचा किया जा सकता है। डॉक्टर साहब कई साढ़े को सवाल आए थे कि डेंगू होवे ही ना या सैल घटन ही ना, ये अगाऊँ बचा कि साफ सफाई तो लैके दवाइया तक की किया जा सकता? डेंगू बुखार है जी, ये जिहड़ा एडीज एजिप्टाई नाम का मच्छर है वो नाल हुंदा, ये जिहड़ा आम करके आपां घरां च बैठे साडे पैरां ते लड़ रहा हुंदा, आम करके ये मच्छर हुंदा पार्कां दे विच जां होर जगह दे जिथे जाने आ उत्थे सानू पूरे कपड़े पा के जाना चाहीदा, ते नंगियां बाहां जां नंगियां लत्तां लै के अहीं जेकर जावांगे उत्थे मच्छर लड़ूगा जी, सैर सूर करदे आ नूं तां उहदे नाल फिर डेंगू होण दे चांस आ। ते इह जिहड़ा मच्छर हैगा इह साफ पाणी दे विच पैदा हुंदा, ते साफ पानी जिहड़ा हैगा आ उह असी
ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਬਰਤਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਛੱਤ 'ਤੇ ਪਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੂਲਰ ਹੈਗੇ ਕੂਲਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ, ਔਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਨਾਰਾ ਹੈਗਾ ਫਰਾਈਡੇ ਡਰਾਈਡੇ, ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਕੋਈ ਪੰਛੀਆਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ, ਕੋਈ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਖੁਰਲੀ ਬਣਾਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡੇਂਗੂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਖੁਰਾਕ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਪਟੇਰੀਅਮ ਪਰਫ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ 200 ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਾਉਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਡੋਜ਼ ਲੈਣ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਸੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 200 ਪੋਟੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਪਟੇਰੀਅਮ ਪਰਫ ਲੈਣ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਡੇਂਗੂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਬਚਾਅ ਕੀ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਦਵਾਈ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ? ਜੀ, ਜੇਕਰ ਡੇਂਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਛੇਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੇਂਗੂ ਹੈ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆ, ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਮੈਡੀਸਨ ਅਸੀਂ ਲਈਏ। ਔਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲਈ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੁਪਟੇਰੀਅਮ ਪਰਫ ਹੈ, ਔਰ ਬੜੀ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਬੜੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਗਲਤ ਆ, ਇਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹਰਬਲ ਟਿੰਚਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੈੱਲ ਜਲਦੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਵੱਧ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਰਾਤ ਜੇ 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਇੰਨੀ ਫਾਸਟ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ। ਦੋਸਤੋ, ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਡੇਂਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਥੀ 'ਚ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹ ਝਾੜ ਝੰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਝਾੜਾ ਕਰਾਉਣਾ, ਧਾਗਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਫਾਂਡਾ ਕਰਾਉਣਾ, ਤਵੀਤ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਿਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਦੀਆਂ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਕਿਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਸੋਚ 'ਚੋਂ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਸੋਚ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਝਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜੇਕਰ ਸੀਰੀਅਸ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਟਾਈਮਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਾਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪੈਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਲਾਹਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਖਬਰ ਲੈਣ ਆਉਣਾ, ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਹਾਲ ਪੁੱਛਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਯੁਰਵੈਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਯੂਨਾਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਦੁਚਿੱਤੀ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਚੋਣ ਕਰਨ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਪੈਥੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਬੇਬਾਕੀ ਅਤੇ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਸਥਿਤੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕਣ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਥੀ ਐਲੋਪੈਥੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪੈਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਚੋਣ ਕਰਨ? ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀ ਰਸੋਈ 'ਚ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਬਦਹਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਗਰਮੀ ਦੇ ਲੂਜ਼ ਮੋਸ਼ਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਏ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਲੂਜ਼ ਮੋਸ਼ਨ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਟੋਟਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਜੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਸਕਿਨ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਟ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੁਕਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਭਟਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਉਸੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਸੇ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ 4 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ
मानसिक रोगी तो नहीं, वह चार सवाल वह डॉक्टर नहीं पुछता, वो बजाय इस दे जे उन्हों कोई समझ आउंदी या थोड़ी बहुत गल उन्हों साइकेट्रिक को रैफर कर दिंदा तो वह मरीज जिहड़ा हुंदा उहदे हालात फिर होर ज़्यादा खराब हो जाते हैं। तो इस करके अपना चोण करते हैं असीं होम्योपैथी दी, इहदे विच असीं हर एक आस्पैक्ट तो मरीज नूं देखना हुंदा। सब तो ज़्यादा माइंड जिहड़ा इहदे उत्ते आपां ने गौर करना हुंदा, वो क्यों माइंड ही साढ़े फिजिकल जिहड़ा आ अफैक्ट करता। तो इस करके होम्योपैथी एक कंप्लीट असी स्पैशलिस्ट जिहड़े सारिया चीज़ों का स्पैशलिस्ट हुंदा, क्योंकि होम्योपैथी की एक दवाई है वो दवाई नूं स्टडी करोगे सब तो पहला माइंड आ, फिर ब्रेन आ, फिर स्टमक आ गया तुहाडा, ब्लड आ गया, फीमेल ऑर्गन, मेल ऑर्गन, फिर होर सारा मतलब कंप्लीट उहदे विच मिलेगा तुहानू। यानी जेकर तुहाडे कोल कोई मरीज आउंदा है होम्योपैथी डॉक्टर कोल, एक पेशेंट जांदा ते अजिहा नहीं है कि उन्हें आके बीमारी दसी तो उहदियां गोलियां दे दित्तियां कि जा भाई ठीक हो जाएगा, समझिया जांदा ते जे लोड़ है तो नाल दी नाल उहदा, क्योंकि मानसिक तौर पर उदों ही मरीज़ नूं डॉक्टर कोल लिजाया जांदा जां उहदे परिवारक मैंबर लैके जांदे जदों लगदा कि वाकई वह डिप्रैशन वालियां जां पंजाबी च कह लईए कि पागलपन वालियां हरकतां वधेरे करन लग गए। उस तो पहला जे कोई सोचता है, कोई रोंदा है, कोई उदास रहिंदा तो उन्हें डिप्रैशन नहीं समझा जाता। तो होम्योपैथी डॉक्टर जो शरीरक जी है बीमारी दूर करने के नाल मानसिक स्थिति में भी जो समझदा। डॉक्टर साहब जाते जाते डेंगू का जो सीजन चल रहा, तो सियाल भी चढ़ दिया, कोई घरेलू नुस्खे जो वरत के सेहतमंद रहा जा सकता, इम्यून सिस्टम स्ट्रोंग किया जा सकता, वो बारे कोई नुस्खे जेकर दसना चाहो, क्योंकि मार्केट के बहुत प्रोडक्ट्स की जी कोरोना तो बाद एक लहर आ गई, एक हड़ आ गया इम्यून सिस्टम स्ट्रोंग करने के लिए, गोलियां कैप्सूल कई तरह के बने बनाए काढ़े सिरप घरेलू नुस्खे वरत के किवें इम्यून सिस्टम नूं लोग ठीक रख सकते हैं, तो डेंगू जां सर्दी तो पहला होने वाले खंघ जुकाम जिहड़ा हुण इस टाइम जिहड़ा है ना वायरल बहुत हो रहा, फल्यू बहुत हो रहा लोगों नूं जी, फल्यू दे लई एक होम्योपैथिक मैडिसन आउंदी इनफ्लुएंजिनम, उह 200 पावर दे विच जेकर उहदी एक डोज आपां जी सितंबर महीने च लै लैंदे आ तां आपां जिहड़ा इह फल्यू आ इहदे तों बच सकदे आ जी, और बड़ा आसान जिहा तरीका है ना। तो उस तो पहला असी जे अगस्त के जुपटेरियम बर्फ लै लें तो इस सीजन चाह जो डेंगू आ उस तो बच सकते हैं। घरेलू नुस्खियां भी सानू इन दिनों के जड़ा ब्लड साडा चेंज हुंदा और जल्दी जड़ा बीमारी पकड़न वाला हुंदा, तो इहदी इम्यूनिटी स्ट्रोंग रखण दे लई सानू जिवें तुलसी वगैरह हो गई जां होर चीज़ां हो गई घर दे विच जिहड़ियां जिवें काली मिर्चा इनू भी इस्तेमाल करना चाहिए, तो चावल वगैरह ज होर योजना रेशा वाली चीज़ा वो नहीं इस्तेमाल करनिया चाहिए, क्योंकि जड़ा आयुर्वैदिक कहा जाता वात पित्त ते कफ तीन चीज़ा है, इन दिनों के वात ते कफ का जड़ा ब्लड के वाधा होंदा, तो वात ते कफ वाली चीज़ा जड़िया इन दिनों के नहीं लैनिया चाहिए, थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, मिक्स जी खुराक अपन लैनी चाहिए इम्यूनिटी बनी रहेगी। तो यह सन साढ़े नाल डॉक्टर हरजिंदर सिंह ओबराए होम्योपैथी के मन्ने परमन्ने डॉक्टर हुशियारपुर के प्रभात चौंक के नाम नाल जिहड़ा पहला चौंक मशहूर से अजकल महाराणा प्रताप चौंक जिहड़ा उहदा नाम रखा गया, उस चौंक के बिल्कुल करीब जिहड़ा गैस एजेंसी के बिल्कुल नाल वाली गली के विच इहनां दी क्लीनिक है। जेकर तुसीं इहनां नाल कोई मशवरा करना चाहो, बीमारी की कोई दवाई लैनी चाहो तो तुसीं इत्थे आ कहिंदे सेवावां लै सकदे हो। हमेशा असीं बेनती अपील करते हुंदे आ कि किसी भी बीमारी की खुद दवाई खरीद के आप मुहारे खाण तो हमेशा ग्रेज़ करो, समा रहिंदिया जेकर थोड़ी भी तबीयत खराब होंदी है तो झाड़ झंब या इस तरह जिहड़े झाड़े कराउण नालों धागे तवीतां नालों तुसीं किसी भी पैची दे किसी भी डॉक्टर नाल कंसल्ट जिनी छेती करोगे उन्नी छेती तुसीं सेहतयाब होवोंगे, तो वड्डी बीमारी आउण तों पहलां वड्डी मुसीबत आउण तों पहलां तुहाडा बचाव हो सकता है। सेहतयाब रहो, तंदुरुस्त रहो, तो डॉक्टर साहब के दसे जिहड़े नुस्खे जिहड़े आ उह वी तुसीं वरत सकदे हो। साडा प्रोग्राम किहो जिहा लगा उहदे बारे उहदे बाबत कमेंट सैक्शन के कमेंट करके आपो अपन टिप्पणियां अपनी राय अपने विचार जरूर दसने। जल्दी मिलते हैं नवी शख्सियत नवी वीडियो जाते जाते उही हमेशा की तरह अपील बेनती कि साडे चैनल में जेकर लाइक फॉलो नहीं किया तो फेसबुक पर लाइक तो फॉलो वाला बटन दबा लो, तो यूट्यूब उत्ते सबसक्राइब करके बैल आइकन जरूर प्रेस कर लो ता कि अजिहियां चंगी चंगी वीडियो सब तो पहला तुहाडे फोन ते नोटिफिकेशन के नाल हाज़र हो सकन। फिलहाल के लिए धन्यवाद डॉक्टर साहब, तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद, तुसीं समा कढ़िया क्योंकि बहुत सारे मरीज आए हुए सन, तुसीं समा कढ़िया, तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और डॉक्टर साहब के नाल इस तरह के प्रोग्राम जिहड़े लैके असीं कोशिश करांगे कि हाज़र हुंदे रहांगे। धन्यवाद, शुक्रिया, सत श्री अकाल।